सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज़, आज मैं बात करने वाला हूँ YouTube के बारे में। आज कोई कस्टम रोम के बारे में वीडियो नहीं होने वाली है यहाँ पे। आज मैं YouTube के बारे में बात करने वाला हूँ। YouTube पे लोग कह रहे हैं कि अब जो मोनेटाइजेशन के लिए, उसके लिए 10K सब्सक्राइबर आपको चाहिए एंड वॉच टाइम जो है आपको 4000 आवर्स ही रहना है। तो इसी बारे में आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्या चीज़ है ये, क्या इस पर क्या करना है आप लोग को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, वीडियो को लाइक ज़रूर से यहाँ पे कर देना एंड शेयर भी कर देना। तो गाइज़, मैं बात करने वाला हूँ YouTube मोनेटाइजेशन के बारे में। बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं कि अब आपको जो है 10K सब्सक्राइबर चाहिए YouTube के चैनल मोनेटाइज कराने के लिए। बाकी वॉच टाइम का कोई लोचा नहीं है, बट यहाँ पे सब्सक्राइबर का लोचा है। ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है 10K सब्सक्राइबर चाहिए YouTube मोनेटाइजेशन के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज़। यहाँ पे एक क्रिएटर इनसाइडर नाम का चैनल है, तो उन्होंने वहाँ पे बताया था कि 10K सब्सक्राइबर ऐसे कुछ वो बोल रहे थे, बट वो ये मोनेटाइजेशन के लिए नहीं बोल रहे थे गाइज़, वो अपने चैनल के लिए बोल रहे थे। वहाँ पे कुछ चीज़ें, मतलब उनके कुछ सब्सक्राइबर जो थे उनको वो कंप्लीट करना था, तो उस वजह से वो बोल रहे थे कि यहाँ पे उनको 10K सब्सक्राइबर की और नीड है, ना कि वो ये बोल रहे थे कि मोनेटाइजेशन के लिए आपको जो है 10K सब्सक्राइबर चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे जो YouTube वाले जो वीडियोस बना रहे हैं कि 10K सब्सक्राइबर चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज़। आप परेशान मत होइए। जो भी नए यूट्यूबर हैं जो 1K सब्सक्राइबर कैसे करके वो बेचारे कंप्लीट करते हैं, मैं भी कंप्लीट किया था, मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी गाइज़, मैं क्या बताऊँ आप लोग को। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो 3 महीने के अंदर मुझे 1K सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट कर लिया एंड वॉच टाइम भी मैंने कंप्लीट कर लिया, एंड आप लोग की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया है, एंड साथ ही साथ मुझे जो है गूगल एडसेंस का पिन भी मिल गया है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे गूगल एडसेंस का पिन भी मिल गया है, एंड यहाँ पे इसका पिन आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पे रहता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये पिन यहाँ पे लिखा हुआ है एंड यहाँ पे सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं कि किस तरीके से आपको जो है अप्लाई करना है। तो ये पिन मुझे मिलने में तकरीबन मुझे कम से कम 1 महीना लग गया गाइस, तब जाके मुझे ये मिला है। 28 दिन अप्रॉक्स लगा था मुझे, 29वें दिन मुझे ये पिन मिल गया था। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग परेशान मत हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, 10K सब्सक्राइबर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई रूल अभी नहीं आया है। एंड अगर मान लो कि फ्यूचर में आ भी जाता है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि अगर आपके सब्सक्राइबर कम रहेंगे तो आप चैनल मोनेटाइज करा के कुछ नहीं करा पाओगे, क्योंकि गाइज़ अर्निंग ही नहीं होती है यार, कोई अर्निंग ही नहीं होती है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर आप करेंगे तो अर्निंग उतनी ज़्यादा आपकी होगी, एंड यहाँ पे सब्सक्राइबर से बात वो नहीं है, अर्निंग व्यूज़ से होती है, लेकिन अगर जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे आपके चैनल पे तो उतना ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। सब्सक्राइबर उतना मायने नहीं रखता है, बट अगर सब्सक्राइबर रहेंगे आपके तो आपको जो व्यूज़ है वो ज़्यादा आएगा, मतलब उन लोगों के पास पहुँचेगा तो आपको जो व्यूज़ है वो ज़्यादा मिलेगा, तो उससे आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप परेशान मत होइएगा, ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल फेक है ये। कोई भी 10K सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट नहीं करने हैं, जैसा था वैसा ही चल रहा है, 1K सब्सक्राइबर ही कंप्लीट करने हैं एंड आपको जो है 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है, उसके बाद आप जो है अपने चैनल को मोनेटाइज करा पाओगे। तो यहाँ पे मेरा चैनल जो है गाइज, मैं अपने चैनल को जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ गाइज 3 घंटे लगे थे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। सिर्फ 3 घंटे में यार मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। लेकिन गाइज, कुछ गलती मैंने ऐसी कर दी थी जिससे मेरा मोनेटाइजेशन हट गया था, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम हट गया था, तो मैं बहुत परेशान हो गया कि ये मैंने क्या गलती कर दी। 3 ही घंटे में मोनेटाइज हो गया था, लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसके बाद मैंने रीअप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए, एंड 2 दिन के अंदर मेरा चैनल जो है दोबारा से मोनेटाइज हो गया। तो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे हो गई कि मेरा चैनल जो है दोबारा से मोनेटाइज हो गया। यहाँ पे पहली बार मोनेटाइज हुआ तो एक पार्टनर प्रोग्राम के नीचे एक प्रोसीड करके कुछ आता है, तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया, मुझे लगा आगे कोई स्टेप होगा, बट यहाँ पे जो है पूरा मोनेटाइजेशन ही हट गया एक ही क्लिक में। तो गाइज, मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ मुझे कितना ज़्यादा उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि मुझे ये क्या हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। बट उसके बाद जब मैं दोबारा से अप्लाई किया तो मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया एंड बहुत जल्दी हो गया गाइज, मैं बता नहीं सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो अभी मेरे चैनल पे अर्निंग हो रही है, बट अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड आज के लिए बस इतना ही गाइज, यही न्यूज़ थी आप लोग के लिए कि आपको 10K सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट करने हैं, यहाँ पर आपको जो है 1K ही करने हैं एंड आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है, एंड आपका जो यूट्यूब पे जो आप वीडियो डाल रहे हो वो आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है? कोई भी आप इधर उधर से यूज़ मत करना,
ओके अपनी आवाज़ में, अपनी वॉइस में डालना, अपना फेस, सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए एंड आपका जो है क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे मोनेटाइज करा पाओगे, ठीक है। एंड कोई भी ऐसी वैसी चीज़ मत डालिएगा जिससे आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को जो है करना है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके बाय बाय गाइज़।